हेलो एवरीवन, अब इस चैप्टर नंबर 5 वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स के हम पहले लेसन को स्टार्ट करेंगे। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को पिक्चर्स को स्वॉप करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं हमारा ट्रेडिशनल न्यूज़लेटर टाइटल वाला पेज जो है वो ओपन करके बैठा हुआ हूँ। अब आप लोगों के सामने ये टाइटल पेज ओपन है, तो अब हम इसके ऊपर मैनिपुलेशन करेंगे या पिक्चर को स्वॉप करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जूम लेवल इंक्रीज कर लूँ और मैं जूम लेवल 110% पर ले गया हूँ। अब हमारा व्यू जो है वो क्लियर है। अब आप लोग पहले इमेज के ऊपर लेकर आए अपने माउस, तो आपको इसके इसके प्लेस होल्डर का एरिया नजर आना शुरू हो जाएगा। इस पे क्लिक किया तो आपके पास ऊपर पिक्चर टूल्स फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। लेकिन यहां पर हम इस इमेज को डबल क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे डबल क्लिक करने के बाद ये एक माउंटेन वाला इमेज जो है आपके इमेज के ऊपर अपेयर हो रहा है। इस माउंटेन वाले के हवाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन फिलहाल अब हम चलते हैं अपने टैब में। फॉर्मेट टूल्स के अंदर आपको सबसे पहले ये ऑप्शन नजर आ रहा है चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर पे क्लिक किया, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पिक्चर रिमूव कर दें या पिक्चर को चेंज कर दें। लेकिन क्योंकि हमारा काम सॉफ्ट का है तो हम चेंज पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। चेंज पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर आप अपने कंप्यूटर से फाइल अपलोड कर सकते हैं, बैंक इमेज सर्च सिलेक्ट कर सकते हैं और वन ड्राइव से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्राउज किया हम लोगों ने, तो आप लोगों की वर्क फाइल्स के अंदर मैंने एक इमेजेस दिए हुए हैं, सो आप इमेजेस चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर। एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर हम लोग गए तो आपको चैप्टर 4 के अंदर जाके चेक करना है और आपको ये इमेजेस मेनी पैनल्स के मिल जाएंगे। सो हम अपना मेनी पैनल का जो है इमेज उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया तो आपने देखा कि फौरन वो इमेज उस इमेज के साथ स्वॉप हो गया। इसको क्लियरली व्यू करने के लिए मैं अपना जूम में इंक्रीज कर देता हूँ, तो आपने देखा ये पिक्चर यहाँ पर आ गई और हमारे ऑलिव वाली पिक्चर थी वो चेंज हो गई है। सो ये था स्वॉपिंग करने का एक तरीका। दूसरा तरीका स्वैपिंग का कुछ इस तरह से है। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे पेज नंबर 2 या 3 पर हम चलते हैं। यहां पर आपको ये एक कप की तस्वीर नजर आ रही है, तो हम क्यों ना यहां पर एक पिक्चर ऐड करें। और उस पिक्चर को ऐड करने का तरीका है इंसर्ट पर जाएं और यहां से पिक्चर सेलेक्ट की। अब मैं ये वाली पिक्चर एंट्री हाउस सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आपने देखा कि पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो मैं इसको ड्रैग डाउन करके इसके साइज को छोटा कर देता हूँ सो डैट हमारे लिए काम करना इजी हो जाए। अब देखिए मैंने अपने पिक्चर को बहुत अच्छे से स्मॉल साइज में कर दिया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मजीद छोटा कर देते हैं सो डैट इट वुड लुक गुड। अब मैंने अपने इमेज को उठाकर इधर रख दिया और आपके सामने ये वाला इमेज है। अब मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और इस इमेज को सिलेक्ट किया तो इसको मैंने जाके इसके ऊपर प्लेस कर दिया और आपने देखा कि कैसे हमारा इमेज जो है वो स्वॉप हो गया। ये वाला इमेज बाहर की तरफ आ गया और ये वाला इमेज हमारे डॉक्यूमेंट का पार्ट बन गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच।